नमस्कार और आप देखें पल पल। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई अटल भूजल योजना से संबंधित समीक्षा बैठक। हरियाणा सरकार ने अपने विजन भूजल विकास एवं प्रबंधन में आज उस वक्त एक अहम कदम को आगे बढ़ाया जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अटल भूजल योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सहायता हेतु 6 समूहों के DIPs की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। अब मंजूरी के बाद DIPs ग्राम जल भूजल सुरक्षा योजना तैयार कर पाएंगे और पंचायत स्तर पर इसके क्रियान्वयन के लिए सहयोग भी करेंगे। वे लोगों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर उनके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज यहां पर अटल भूजल योजना से संबंधित समीक्षा बैठक में उस समय मंजूरी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में अटल भूजल योजना को तथा मेरा पानी मेरी विरासत और सूक्ष्म सिंचाई जैसी अन्य जल संरक्षण योजनाओं के साथ जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान भविष्य की योजनाओं के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। सिंचाई एवं जल संसाधन विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने भी बताया कि अटल भूजल योजना के तहत हरियाणा में कुल 14 जिलों को कवर किया गया है। इसमें से 1669 ग्राम पंचायतें वाले 36 ऐसे ब्लॉक भी शामिल हैं जहां भूजल स्तर काफ़ी नीचे है। राज्य सरकार ने प्रदेश के नीचे जा रहे भूजल स्तर में कम से कम 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को ये भी जानकारी दी गई कि हरियाणा में शुरू की गई अटल भूजल योजना को केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा सहयोग किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल संसाधनों का हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा नेटवर्क बनाना है और प्रदेश में इन संसाधनों पर प्रबंधन के लिए सामुदायिक संस्थानों का निर्माण करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जागरूकता गतिविधियों के साथ साथ हितधारकों की क्षमता का निर्माण भी किया जाएगा। प्रारंभ में प्रत्येक गांव की जल सुरक्षा योजना तैयार की जाएगी और अगले 4 वर्षों में इसे लागू किया जाएगा। अटल जल हरियाणा परियोजना के निदेशक सतवीर सिंह कादियान ने बताया कि अटल भूजल योजना के तहत विभिन्न जल पंचायतें आयोजित की जाएंगी जिनमें ग्रामीण अपने भूजल संसाधनों का स्वामित्व लेंगे और राज्य नीति में परामर्श से भविष्य की कार्य योजना तय करेंगे। उन्होंने आशा जताई कि ये योजनाएं प्रदेश में भूजल स्तर को बनाए रखने में क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। पूरे देश के लिए ये एक मिसाल साबित होंगे। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट।